तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन से हमारा फ्री फायर गेम ओपन नहीं हो रहा है और इसके चलते अब काफी सारे बंदों को ये लग रहा है कि अब हमको फ्री फायर को टाटा बाय बाय कहने का समय आ चुका है, मतलब वो इंडियन सर्वर में बैन हो चुका है। अरे भैया आप तो ऐसा मत बोलो, फ्री फायर बैन नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें बहुत पैसे उड़ाए हैं, मैंने 1,000, 2,000, 5,000 का टॉप अप मैंने उसमें किया है। अपनी आईडी को प्रो बनाने में मैंने 5,000, 6,000 के उसमें टॉप अप कर दिए और मेरी आईडी में सारे इलाइट पास खरीदे थे, जितने आज तक आए हैं मैंने सारे इलाइट पास भी खरीदे थे। अब तो फ्री फायर इंडिया में बैन हो रहा है ना, तो अब मेरा क्या होगा भैया? अब तो ना मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं और ना मेरा गेम। तो छोटे इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के हाथ पे है। वो किसी भी ऐप को बैन कर सकती है और किसी भी ऐप को चला सकती है, वो सब तो गवर्नमेंट के हाथ पे होता है। लेकिन ये फ्री फायर जो बैन हुआ है ना, ये तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के पैसे से इसमें डायमंड खरीद रहे थे और कुछ बच्चे तो हजार लाखों में डायमंड खरीद रहे थे बिना अपनी मम्मी पापा से परमिशन लेके। और फिर जब उनको पता लगता था कि हमारे बच्चे ने इतने सारे डायमंड खरीदे हैं, फिर उसके बाद बच्चा टेंशन में आके सुसाइड कर रहा था। तो इसीलिए गेम बैन हुआ है। तेरे ऐसे कितने बच्चों ने सुसाइड किया है इस गेम के पीछे, मतलब इतने डायमंड खरीदे फिर उसके बाद उनको थोड़ा रिग्रेट फील हुआ और फिर उन्होंने सुसाइड किया है, इसलिए गेम बंद हुआ है तुम जैसे पिकाचू ऑडियंस की वजह से। लेकिन अभी तक गेम बैन होने की कोई न्यूज आ नहीं रखी है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि गेम बैन हुआ है या गेम में कुछ ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से हमारा गेम नहीं खुल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर फ्री फायर बैन हुआ तो कभी वो अनबैन होगा या नहीं। तो मुझे जहां तक लगता है कि फ्री फायर अगर बैन हुआ तो वो अनबैन भी हो सकता है। अच्छा भैया, क्या ये हो सकता है? अरे छोटे तू फिर आ गया। अरे भैया हाँ मैं आ गया। आप ये बताओ ना कि फ्री फायर अगर बैन हुआ तो उसके बाद वो अनबैन भी हो सकता है या नहीं? हाँ हाँ छोटे बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। तो गैस मुझे जहां तक लगता है कि फ्री फायर अगर बैन होगा तो वो अनबैन भी हो सकता है क्योंकि गैस इतनी बड़ी कंपनी है गरीना, तो गैस ऐसे ही अपना गेम तो जाने नहीं देगी वो भी इंडियन सर्वर से, जहां से उसको इतना पैसा मिलता है, इतनी अच्छी अर्निंग होती है उसकी इंडियन सर्वर से। तो वो कुछ ना कुछ करके अपना गेम तो वापस ले ही आएगी, या तो पबजी की तरह अपना नाम चेंज करके आएगी, या तो ये अपना पे टू विन वाला जो सिस्टम है गरीना का ये हटा के आएगी, तो तभी गरीना को इंडियन सर्वर में फिर से अनबैन किया जा सकता है। अरे भैया ये पे टू विन क्या है? अरे छोटे तेरे को पे टू विन के बारे में नहीं पता? तू स्काईलॉर्ड को फॉलो नहीं करता क्या? अरे सॉरी मैं तो भूल गया था, तू तो पिकाचू है तो तू स्काईलॉर्ड को फॉलो क्यों करेगा। तो हाँ जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर गरीना पे टू विन सिस्टम को हटा दे तो वो इंडियन सर्वर में एंट्री ले सकती है फिर से। और अगर एक बार गरीना ने पे टू विन वाला सिस्टम हटा दिया ना, तो इससे इंडियन सर्वर को बहुत फायदा होगा। फायदा मतलब बैन नहीं होगा कभी इंडियन सर्वर में फ्री फायर। अरे भैया ये तो ठीक है, लेकिन अभी मैं अपना गेम कैसे खोलूं मुझे ये तो बता दो। देख छोटा भी फ्री फायर तो किसी का नहीं खुल रहा है, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि हम फ्री फायर मैक्स खेल सकते हैं। तो अगर जिसको भी नहीं पता, फ्री फायर जब तक ओपन नहीं हो रहा है तो हम फ्री फायर मैक्स तब तक खेल सकते हैं। तो उसको जल्दी से इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में और उसको खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब हम फ्री फायर मैक्स ही खेल सकते हैं। फ्री फायर तो अब खुल नहीं रहा है तो हमको फ्री फायर मैक्स ही खेलना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि फ्री फायर गेम बैन हो या नॉर्मल जैसे पहले चलता था हमारा गेम वैसे ही चले। देखो गाइस अगर मैं सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि फ्री फायर एक बार इंडिया से बैन हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट बैन हो जाए, कुछ महीनों के लिए कुछ वीक्स के लिए बैन हो जाए, और जब फ्री फायर अनबैन हो तो उससे पे टू विन वाला सिस्टम हट जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ, और तुम लोग क्या चाहते हो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।